सो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी के अंदर किस तरीके से माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हो, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी क्रैश के। और सब सेटिंग्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और पूरा इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो कि माइनक्राफ्ट आप अपने पीसी में खेलो, और वो भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स में और बहुत ही अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के, सो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। रिक्वेस्टेड वीडियो है एक बंदे ने, और एक और बंदे ने भी मुझे लाइक बहुत बार कहा था कि माइनक्राफ्ट के ऊपर वीडियो लाओ कि किस तरीके से पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर माइनक्राफ्ट कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हो आफ्टर इंस्टॉलेशन। अगर आपका गेम इंस्टॉल हो जाता है, फिर आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले और गेम आपका बिल्कुल भी लैग ना हो। ऐसी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, और आगे भी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ आने वाली है। जो बंदे नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी गाइस। और एक बात यार, जैसा कि अभी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये है एकदम यार शेडर वाला गेम प्ले, लाइक बहुत अच्छी शेडर मैंने ऐड करी है। ये मेरा ही गेम प्ले यार, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने किसी का कॉपी किया है और यहाँ पे मैं लाइक समझ रहे हो ना कि यहाँ पे डाल के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ही गेम प्ले है। एंड अगर आपको भी चाहिए ऐसी शेडर या इससे अच्छी शेडर, और आप भी चाहते हो एकदम अच्छे ग्राफिक्स में अपना माइनक्राफ्ट रन करना, मुझे कमेंट में बोल सकते हो, और मैं इसी के ऊपर भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा अगर आप बोलोगे तो। और रिस्पॉन्स तो आप ज़रूर दे दिया करो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी लोग जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किए हुए, इस वजह से जो है काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है और व्यूज़ स्टार्टिंग में काफ़ी कम आते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा काफ़ी लोगों से, जो बंदे लाइक वीडियोस को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब अगर किए हुए हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ मैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी लॉन्चर नाम का एक सॉफ्टवेयर, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रन हैज एडमिनिस्ट्रेटर करके इस सेटअप को ओपन करना है। लेट्स ओपन दिस सेटअप। सेटअप ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख जाएगा वेलकम, वेलकम पे यहाँ पे आपको वेलकम करेगा, देन आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगेन कंटिन्यू, देन अगेन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है एडिशनल टास्क, यानी कि रन टी लॉन्चर, ये यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना, यानी कि आपका जो है यहाँ पे जावा इंस्टॉल होगा, उसके बाद में आपका टी लॉन्चर रन होगा, तो काफ़ी चीज़ें होगी इसलिए आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके कुछ डाउनलोड्स होंगे, कुछ इसकी बेसिक नीड्स होगी जो आपको डाउनलोड करनी होगी, देन यहाँ पे आ जाएगा आपको जावा सेटअप, फिर आपको जावा इंस्टॉल करना है, और यहाँ से इस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करिए, एंड देन ये जावा जो होगा ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इंस्टॉलिंग जावा यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा एंड यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद में आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा, दैट्स इट, देन क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सिंपल कंप्लीट के बटन पे क्लिक करिए, देन यहाँ पे थोड़ा वेट करिए, देन यहाँ पे टी लॉन्चर आपका ओपन हो जाएगा। एंड देन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे माइनक्राफ्ट आ चुका है यार, ठीक है, ये रहा माइनक्राफ्ट। एंड अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो भाई साहब एकदम जो लेटेस्ट वर्जन है रिलीज जो अभी हुआ है, तो ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन 1.17 वाला। क्लिक करिए एंड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दीजिए, सिंपली इंस्टॉलेशन यहाँ पे रन हो जाएगा एंड ये डाउनलोड होगा, लगभग ये 162 MB का होगा, तो इसे डाउनलोड होने दीजिए। एंड जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी स्पीडली डाउनलोड हो रहे हैं, 7 MBPS की स्पीड आ रही है, एंड अच्छे से यहाँ पे 52% हो चुका है, तो इसे 100% होने दीजिए। गाइस, इंस्टॉल होने के बाद में आपको आपका जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा माइनक्राफ्ट 1.17 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, अभी अभी इंस्टॉल हुआ है। एंड यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो भाई साहब F11 दबा के आप इसे ओपन कर दो, देखो एकदम फुल स्क्रीन ओपन हो चुका है F11 दबाने के बाद। एंड गाइस यहाँ पे हमारा गेम जो है यहाँ पे चालू हो चुका है, कोई भी इशू नहीं आया, बहुत अच्छे से गेम हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ रहा है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन,
सिंपल से है ना। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में जाकर आपको पहले तो सेटिंग्स को सही कर लेना है, या म्यूज़िक में जाके पहले तो मैं ना इस म्यूज़िक को ऑफ़ कर देता हूँ। म्यूज़िक ऑलरेडी ऑफ है मेरा, चलो म्यूज़िक यार मुझे बहुत इरीटेट करता है तो इसलिए मैंने इसे ऑफ़ कर दिया। एंड और क्या क्या चीज़ें, वीडियो सेटिंग है जिससे आप इंप्रूव कर देना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने मैक्स जो FPS है वो 60 दिया है क्योंकि मेरा जो PC वो 60 FPS सपोर्ट करता है। VSync को मैं ऑफ रखूँगा। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको अपना सिंगल प्लेयर में एक वर्ल्ड बना के दिखा देता हूँ, एंड दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे आपका जो गेम है ओपन होता है, किस तरीके से लगता है। गाइस ये देखिए गाइस आपका जो गेम है यहाँ पे ओपन हो जाएगा एकदम एकदम अच्छे से, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आया है। टी लॉन्चर के अंदर अच्छे से आपका जो गेम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और कोई भी जो इशू है वो आपको यहाँ पे नहीं आया है। सो यहाँ पे आप अपना वर्ल्ड आपको जो बनाना हो बना सकते हो, सिंगल प्लेयर है तो काफ़ी चीज़ें आप इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे ग्राफिक मोड लाइक बहुत सी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस गेम में बहुत ही OP गेम है एंड लाइक इस तरीके से आप गेम को जो है PC में इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है इसके अंदर। तो गाइज अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ना किया हो तो कर देना। काफ़ी लोग होते हैं जो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करते तो कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी नई वीडियो को वॉच कर सकते हो हैंड टू हैंड। सो ये था आज की वीडियो में यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो रिस्पॉन्स ज़रूर देना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।